मैं तो इस दफा आटा लेकर आई हूँ। ये आटा मेरा 5 साल दिखाओ, से दिखाओ कौन सा मशहूर है, 5 साल से चला रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे नहीं पता। और मैं सिर्फ यही आटा खाती हूँ। पहले तुम क्या खाती थी? जो पहले आम आटा जो मिलता है वो भी खा लेती हूँ, मैदे के पराठे भी खाती थी, जौ का, चक्की का आटा सारा जो मिलता है बाजार से वो सब लाती थी। आटे में क्या? अब मैं अपने घर में जो चौकीदार है उसको बोलती हूँ की ये चीजें जो है ना जाके खुद पिसवा कर आओ, वो आटा खाती हूँ मैं भी। फराल भी मेरे दोनों, हम दोनों यही खाते हैं। ये है हमारा सोयाबीन, ठीक है। ये मैं किलो ले लेती हूँ, 1.5 किलो ले लेती हूँ, जो भी मुझे 2 किलो का भी हम कर लेते हैं। ये है जौ, ठीक है। और वो जो हम बाजरा, हमने कबूतर भी रखे हुए हैं, परिंदे भी रखे हुए हैं, तो उनको बाजरा भी डाल देते हैं, खुद भी डाल लेते हैं। ये बाजरा है, बाजरा, सोयाबीन, सोयाबीन, जौ, ठीक है। और इसको कहते हैं काले चने, काले चने, काले चने। और वो जो हम लोग छलियां खाते हैं ना, मकई, मकई, ये है मकई, मकई का पिसावा आटा है। ओके। तो ये हम क्या करते हैं, सारी ये आटा पीसना अलग जरूरी नहीं है, मकई भी अगर है तो एज इट इज आपने ली, 2 किलो ली, 1.5 किलो ली, और ये सारी चीजें, 5 चीजें आपने एक साथ पिसवा ली। एक दफा मैं रिपीट करती हूँ, सोयाबीन, मकई का आटा, बाजरा, काले चने और ये जौ, 5 चीजें हैं जिसको पिसवा के अच्छी तरीके से। और इसकी रोटी का भी और रेशो बराबर है। हाँ, इससे आपका वेट भी अच्छा खासा कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। में कितना फर्क? रोटी इतने मजे की होती है कि आप वो वाली रोटी नहीं खाएंगे। और इसका बस बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं बता देती हूँ। इसको हल्का सा नीम गर्म पानी डाल डाल के ना थोड़ा सा छोड़ छोड़ के गूंदना पड़ता है। 5 मिनट की गुंदाई ये लगती है इसको, ये आम आटे की तरह नहीं होता। जो पहली मरतबा लोग कहते हैं वो टूटना शुरू होता, बनता नहीं। तो जब 5 मिनट की अच्छी मांगता है, गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के जब रोटी बन जाती है तो ये मैं हमारे घर में ना बेलने से नहीं इसको बड़ा किया जाता, आम रोटी जैसे बेलने से होती है, इसको पानी लगा लगा के ना तो ऐसे इसकी टिकिया कर करके ना बड़ा इसको बड़ा करना पड़ता है। लेकिन यार मेहनत का काम है। और इसके बाद ये एक इतनी बड़ी रोटी सिखा दें, और औरतें तो करती हैं, बतले नहीं हो रहे, रोटी नहीं छूट रही, चावल नहीं छूट रहे, सो ये उन औरतों के लिए है, महंगी चीजें भी नहीं है। बॉडी जब लूज होती है ना, जब दुबले होते हैं तो लूजिंग आती है बॉडी में, औरतों को सबसे ज्यादा टाइट करती होती है कि लूजिंग के बाद आप क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बॉडी को टाइट रखती है, जो है चना है। और बाकी अगर ये चीजों को आप गूगल करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि वाकई 5 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिंदगी में बहुत अच्छा फर्क पड़ा।